हे व्हाट इज अप गाइस। एक्चुअली क्वारंटाइन चल रहा है, आपको तो पता ही है, कुछ करने को है नहीं। जो मैं कर रहा हूँ वो बस दिखाना चाहता हूँ। सो मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, एक्चुअली मैंने ये वीडियो देखा हुआ है, थोड़ा सा देखा हुआ है। दिस इज़ फ्रॉम मुनावर फारूकी। वीडियो का नाम है दाऊदी अमराज और औरत। भाई बहुत सही लगा मुझे, सो मैंने रिएक्शन बनाने का सोचा। पता नहीं कहाँ से ये कीड़ा आया, बस जस्ट मन किया इसलिए कर रहा हूँ। नथिंग लाइक कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म, और मैंने शायद पहले कभी किया भी नहीं रिएक्शन, या फिर किया है, आई डोंट नो। बट शुरू करते हैं यार। नागपाड़ा एरिया में एक बाइक है, उसके पीछे लिखा हुआ है तुम्हें क्या लगा मौत आई तो मर जाऊंगा, नागपाड़े का राइडर हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। सही है, पंच लाइन है, पंच लाइन। ये यमराज का काम कितना कंफ्यूज कर रहा है। यमराज डेड बॉडी लेके आया, भगवान लाइक ये क्या है, बोले वो कट मार के निकल गया। ओ भाई पंच लाइन होगा मेरे ख्याल से। ओ सॉरी, ये कट था, मिस्टेक। तो मैं डोंगरी से हूँ गाइस, डोंगरी से, डोंगरी पता है लो। हाँ दाऊद, इसीलिए मैं जो लोगों को मैंने देखा ये वाला पार्ट देखा है मैंने, और शायद हसीन आया बट फनी है। ये क्या स्टीरियोटाइप, डोंगरी से दाऊद की वजह से फेमस नहीं है यार, लाइक हाजी मस्तान। मैंने ये पार्ट देखा हुआ है बट स्टिल हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। मतलब आई एम नॉट डूइंग लाइक कि मैं जानबूझ के हंस रहा हूँ, आ रही है तो हंस रहा हूँ। बारे में ना लोगों को अलग ही गलत है, मतलब वहाँ पे उन लोगों को क्या लगता है कि लाइक वहाँ पे चोर पुलिस खेल रहे बच्चे एक्चुअल पुलिस के साथ, विच इज फैक्ट। वहाँ पे चर्च बिक रहा है गलियों में, मतलब लोगों को यही सब लगता है। और मेरा एक दोस्त बोलता है कि वहाँ पे तो इस्लामी तालीम। मैं स्किप करने का मन कर रहा है बट स्टिल आई एम नॉट स्किपिंग, शायद आप लोगों ने ना देखा और आपको पूरा देखना हो इसलिए सॉरी। मदरसा में इस्लामी तालीम मिलती है, इस्लामी तालीम इज लाइक क्या है, बड़ों की इज्जत करना है, दारू नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, इंटरेस्ट नहीं खाना है, ये इस्लामी तालीम है। इसको क्या लगता है इस्लामी तालीम क्या है, हमारे मदरसा में सिखाते गाओ बच्चों इस्लाम का ही तो नंबर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है डोगरी का माहौल, ऐसा नहीं है। लाइक मेरी बहन शबाना, लाइक वो एन टी वी पे एक सीरियल आता है संतोषी माँ, यहाँ तक देखा है मैंने, यहाँ तक, इसके आगे अभी पता नहीं, अभी देखते हैं। रिपीट पे देखती है वो, गा खाना बनाते हो ना तो गाते रहती है जय जय संतोषी आपा आपा संतोषी। ये भी एक दो दिन पहले ही आया ये वीडियो मेरे ख्याल से। बस बस सर आप बहुत चिल होके बैठे हो, एकदम पैर ऐसा एक स्टेज पे आधा पैर और उसके ऊपर एक पैर, मुझे लगता है ऐसा लगेगा मालिश कर। ये ना यार आजकल ट्रेंड बन गया है, सारे स्टैंड अप वाले जो भी है ना सब ऑडियंस की लेने लग गए आजकल सबका, देखो पर इट्स काइंड ऑफ गुड। ऐसा बोल देंगे थोड़ी देर में, डोंगरी में ना आप लोग कभी भी आओगे ना, हम लोग को पता है सबर्ब्स में ऑटो वाले टैक्सी वाले रिफ्यूज करते ना, डोंगरी पे नहीं करते, डोंगरी के लड़के लोग मना करते मारते। उनका कर्मा उन लोग डोंगरी पे आके भुगत के जाते। एक बार क्या हुआ, टैक्सी वाला गली में रिवर्स ले रहा था, ठीक है, तो रिवर्स ले रहा था, एक छोटी बच्ची आई भागते हुए टकरा गई, गिर गई। तो एक आदमी वो बच्ची को उठाने भागा, पांच आदमी टैक्सी वाले को मारने भागे। ये ज्यादा हो गया। और फिर वही टैक्सी में बच्ची और टैक्सी वाले दोनों को हॉस्पिटल लेके गए। सॉरी डॉक्टर कंफ्यूज, बोले किसने किसको ठोका है। मजा नहीं आया। इसको ठोक दिया टैक्सी वाले ने, बोले हाँ लेकिन इसको तो बैंडेड लगा देंगे सर पे, लेकिन इसका एक हाथ गायब है। ज्यादा हो गया नहीं, ज्यादा हो गया, हंसी भी नहीं आई। बोलते मुस्लिम लड़के जितने भी डोंगरी के, हम लोग का एवरी ईयर मोटो जीपी होता है, मोटो जीपी हम लोग बड़ी रात बोलते हैं। मेरे को पता नहीं क्या होता है बट ऑनेस्टली कुछ तो होता है, सुन रखा है मैंने ऐसा, ठीक है। ट्रिपल सी बस पॉपुलेशन, बंदा सेंसिबल है यार, सही मुद्दे पे जा रहा है। पता है मुस्लिम लड़की कैसी बाइक चला रहे, देख सुसाइड बॉम्ब बचो, ये सुसाइड राइडर्स है, सुसाइड राइडर्स और लिटरली फुटपाथ पे गाड़ी चला दे। सलमान खान फैन भी है क्योंकि एजुकेटेड है। किसी ने तो भी ऑडियंस में से चिल्लाया ओ, मजा आया। फुटपाथ पे गाड़ी चला दे, वेट वेट वेट, इसने कुछ कहा? सलमान खान फैन भी नहीं है क्योंकि एजुकेटेड है।
सलमान खान फैन भी नहीं है क्योंकि एजुकेटेड है भाई, ले रहा है बंदा, ले रहा है। फुटपाथ पे गाड़ी चला दे डोंगरी के लड़के, और पता है कैसा, और डोंगरी की लड़की पतली वाली बुरखे में एक लड़की रहेगी ऐसा पकड़ के बैठती है उड़ाने वाला है सीट, और इतना क्लोज बैठते ना लोग सीट पे, और एक सीट खाली ही रहती है लाइक यही बोल रहे कि कर दूसरी शादी जगह है क्राउड एंजॉय कर रही है इस चीज को। एंड बाइक बाइक पे ना वहां पे कुछ भी, मुझे लोग कुछ भी लिखाते, मेरा दोस्त है उसने लिखा है मम्माज गिफ्ट, अजलिक तेरी अम्मी तो घर पे रहते कैसा दिलाए, लाइक अब्बा दिलाए मम्मी कन्विंस कन्विंस की बोलो कुछ ज्यादा ही जल्दी दे रहा है बाप का गिफ्ट कर्टसी माँ ऐसा कुछ लिख कर्टसी, लोग कुछ भी लिखा है लिखाने के लिए शौक के लिए कुछ भी लिखा है। मैंने एक देखा सिग्नल पे मैं खड़ा हुआ, उसने लिखा है प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे पढ़ के अच्छा लगा कि वाओ मैं जब ऐसे सोच रहा हूँ वो सिग्नल तोड़ के चले ये होता है भाई अक्सर होता है, ये सब लोगों ने ऐसा कुछ ना कुछ लिखा है होता है लिखाने के लिए कोई भाई, वो तो लाइक जन्म सिद्ध अधिकार है, जब तक तुम सिग्नल तोड़ के नहीं जाओगे तो पता कैसे चलेगा तुम इंडियन हो, राइट? नॉट इन बैड सेंस यार, मजा आ गया। आई एम नॉट मेकिंग कुछ फोटो है, फोटो है कुछ खींच के लाया, की दुआ बाप का रोड जो भी सामने आया उड़ा दूंगा मदर की दुआ बाप का रोड जो भी सामने आया उड़ा दूंगा ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। नाक बाइक है उसके पीछे लिखा हुआ है तुम्हें क्या लगा मौत आई तो मर जाऊंगा, नागपाड़े का राइडर हूँ कट मार के निकल जाऊंगा ये पंचलाइन थी मेरे ख्याल से ये यमराज का काम कितना कंफ्यूज कर रहा है, यमराज यमराज डेड बॉडी लेके आया भगवान ले ये क्या है बोले वो कट मार कट मार के निकल इसको कट मारा उसको भाई जो ले रहा है मतलब बेस्ट है यार, मैं तो बोलता हूँ देखो एक बार जरूर देखो लेके ऐड ऐड यूट्यूब एड्स, चलो हम स्किप कर रहे हैं आप देख लेना। हाँ एक्सट्रैक्टर मेरे ख्याल से, और भगवान को हर चीज में रिस्पॉन्स करना पड़े तो कितना वियर्ड होगा, आपने वो गाना सुना है मेरा पिया घर आया ओ राम जी लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करना वो गाना कैसा है ना लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया अभी ये बहुत ज्यादा सेंस कर रहा है, कभी रामायण चल रही है ना सब अब घर किसी को पता है इस बारे में, सो दिस इज काइंड ऑफ परफेक्ट टाइम फॉर दिस जोक, पता नहीं कोइंसिडेंस है या जो भी है यार टाइमिंग बहुत सही है इस जोक को लेके। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज अ वाइफ यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच क्या बोल रहा है, सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है, वो गाना है तेरा करूं गिन गिन तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 में रुक गई बंदे के पास दिमाग है, भगवान के आपस में कन्वर्सेशन होती है लाइक भगवान हर चीज पे रिस्पांस करना, मिसेस गुप्ता दाल बना रही है भगवान भगवान से यस दाल जल गई मैं क्या करूं, आई नो आई एम गुड लिसनर बट दिस इज टू मच सीरिया में बच्चे मर रहे दिस इज टू मच यमराज इधर जान से नहीं मानना सिर्फ डराना यमराज ठीक है इंटर्न्स को भेज के कुकर ब्लास्ट करो इंटर्न्स को भेज के एग्जैक्टली किसी ने ऑडियंस में से भी यही चीज बोला इंटर्न्स को भेज के कुकर ब्लास्ट कैसा होगा भगवान लोग आपस में मिलेंगे रात में लाइक और क्या चल रहा है यमदूत कहते हैं उनको शायद यम इंटर्न्स से तो आज बैक पेन हो गया बैक पेन हाँ तेरा फिर भी ठीक है लेकिन ये मिसेस गुप्ता है ना इतनी मांगती रहती है कुछ भी नहीं इसका हस्बैंड इससे बड़ा बिलीवर था फिर क्या हुआ मांगते ही रहता था शादी करवा दी इसका भगवान से भरोसा उठ गया ओ भाई बार बार ऐसे करने की आदत हो गई है
झगड़े देखना कपल झगड़ा मेरा फेवरेट। मैं झगड़ों में कैटेगरी है, ओके मतलब इसका दाऊद और यमराज हो गया, अभी औरत वाले पार्ट पे आ रहा है कपल झगड़ा। उस पे जाता हूं वहां पे हमेशा एक कपल लड़ते रहते हैं हमेशा। एक बार तो मैं बोला अरे घर नहीं है क्या, बोले हाँ डिवोर्स हो रहा है घर के लिए झगड़ा। बहुत पसंद है बट मैं औरतों के झगड़े में नहीं रुकता, कॉज सेंसलेस आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं पसंद। आई नो मैम यू आर लाइक क्या सेक्सी आदमी, बट पहले पसंद था, रीजन है ना कुछ बता दो। ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, एक आंटी और एक लड़की की टक्कर हो गई। आंटी ने लड़की को बोला मेकअप तो कर लेती है, चलना नहीं आता है, चलना नहीं आता। क्या ये बोलने वाली चीज? हाँ पॉइंट है। बेचारी लड़की टकरा के सब शर्मा गई, पलट के देख रही आंटी को, पलट के तो आंटी बोली रैंप नहीं है पलटने की जरूरत नहीं, सीधा चल। सैवेज फनी दोनों, जो बात है। आई गुजराती, तुम लोग गुजराती हो? ऑडियंस में पूछ रहा है, यू अंडरस्टैंड गुजराती? ये लोग जैसे पिकनिक कर रहे थे ना, वो खाखरा वाखरा बांट रहे थे, देखो अंदर से यही लगा मतलब गुजराती फैमिली आ गए पिकनिक पे, ऐसी अंदर से खाखरा, तेरे को सीट मिली क्या? हाँ मिली, हाँ मिली सीट। टिपिकल गुजराती। मस्त गुजराती लोग फन है। मैं अब गोवा गए हो ना, कभी अहमदाबाद से गोवा की फ्लाइट लेना कभी। मैं चढ़ा गोवा अहमदाबाद से गोवा की फ्लाइट में, एक चचा बीच में खड़े देखे बोलते सोनल तने जग्या मड़ी। जग्या मड़ी शायद यही मतलब एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस को टिकट दिखा रहे। एक घोस्ट स्टोरी सुनो, घोस्ट स्टोरी सुनो ये ज्यादा फनी नहीं है बट घोस्ट स्टोरी ठीक है। इट्स अ रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी एकदम मस्त। मैं जूनागढ़ से हूँ, जूनागढ़ सिटी आप लोगों को पता है? नाम सुना है। जूनागढ़ सिटी से भी तो होता है आदमी, अभी मैं बोलूंगा मैं इंडियन हूँ, तुम बोले तू तो शायद कोई सुल्तान वाला हूँ। वापस मैं बोलूंगा मैं इंडियन हूँ, तुम बोले तू तो डोंगरी। पॉइंट है लौंडे की बात में, औरतों की जिंदगी इसमें चले आएगी, झूठ बोलो। तुमने कल तो ये बोले थे, आज तो तुम ये बोल रहे हो। ऑडियंस बहुत सही मिली है यार इसको, बहुत सही है। औरतों के झगड़े नहीं देखने का रीजन ये भी है कि मुझे लगता है औरतें औरतों की दुश्मन। आप लोगों ने कभी ये सुना है खाना बनाना सीख ले वरना तेरी सास बोलेगी तेरी माँ ने कैसे कहा था? दिस इज फ्रॉम वुमेन टू वुमेन फॉर ए वुमेन टू सेव फ्रॉम वुमेन कभी ससुर को बोलते हुए सुना बहू का फिगर अच्छा नहीं हमें रिश्ता मंजूर नहीं। भाई को सिर्फ चाहिए क्या? वेट क्या बोला इसने? ये बहन को आलिया भट्ट जैसी भाभी चाहिए, भाई को सिर्फ चाहिए। मेरे को नहीं समझा। माई बोलती है मेरे को ऐश्वर्य जैसी बहू चाहिए, बहन को आलिया भट्ट जैसी भाभी चाहिए, भाई को सिर्फ चाहिए। नहीं समझा, पता नहीं क्या यार, किसी को समझाओ तो बताना कमेंट सेक्शन में। खाना बनाना आता है क्या तुम्हारी बेटी को? तुम्हें तेरे बेटे को आता है क्या खाना बनाना? ये क्वेश्चन क्यों है? वो इसका रीजन कमर्शियल सोसाइटी है, हम लोग इंडियन सोसाइटी है ना। आपकी कोई फ्रेंड का नाम सीता है ना? लिटरली किसी का नाम सीता नहीं है, लिटरली मेरे को कोई याद नहीं। एक सीता और गीता एक पिक्चर याद है, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं सुना किसी का नाम सीता है। Women to cross the line. Cross the line, right? So exactly. और ये खाना बनाने ये products ने किया है, माँ के हाथ का खाना, मसाला, मॉम्स मसाला, ये मसाला, पंकज मसाले का है, है कि जो बात है। और अब सर आपका नाम? सौरभ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। कमर्शियल कपड़े धोने वाले। सिद्धार्थ मेरे एक भाई का भी नाम है और उससे अभी भी मेरा झगड़ा हुआ है, छोटा था, बहुत मस्ती कर रहा था, मार दिया यार, पता नहीं क्यों मारा बट याद आ गया मेरे को। कान में आके बोलते सिद्धार्थ सुन
कपड़े धोने का काम सिर्फ औरतों का है, क्योंकि हेमा जया सब धोते हैं। सौरभ कोई बोला सौरभ भी धोता है, बोला सौरभ अपने कच्चे खुद धोता है। ओ भाई इसलिए है बहुत सही ऐड आ गया इनका, नेटफ्लिक्स वाले दबा के ऐड कर रहे हैं आजकल। हम स्किप कर रहे हैं फिर से, हाँ आप मत करना। तो ये सोसाइटी ने गलत करके रखा है, लेकिन एमडीएच का ऐड देखा ना, मेरे लगा ये चाचा सही है, मसाले बेच रहा खुद के, बट फिर ऐड गौर से देखा वो भी औरतों से घूम रहा है। ये सोसाइटी ही गलत है। और कमर्शियल वालों ने आधी मार के रखी है। आपने फिर एक सर्फ एक्सेल का ऐड आया था वॉशिंग मशीन का, एक बटन दबा वॉशिंग मशीन, तो वो ऐड आया, उसमें एग्जीक्यूटिव आता है, आदमी गेम खेल रहा है, तो वो आके बोलता है सर आप भी देख लो कैसे है? बोले क्यों, बोले औरतें ही से थोड़ी धो सकती है कपड़े। सब लोग पागल हो गए, वो इनिशिएटिव बट मशीन से धोने की बात चल रही है। एक अभी घोस्ट स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूं। आधे लोग कंफ्यूज है ना कि सेक्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या है। पहले आधे सेट में लड़कियां बोलती नीच आदमी। अभी सर्फ एक्सेल वाला जोक्स के मैरी मी रहेगा। या हाय गाइस, हो गया वीडियो खत्म। आई गेस यार इसका भी चैनल देख लेना, मेरे को सही लगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि मैंने इससे पहले कभी देखा हुआ है इसकी कोई वीडियो, या शायद देखा भी होगा पता नहीं यार मेरे को नाम तो, क्योंकि नया नहीं लग रहा है, सुना हुआ सा लग रहा है। बहुत सारे स्टैंड अप देखते रहता हूँ मैं, सो शायद देखा हो सकता है, आई डोंट नो। बट वीडियो में मज़ा आया, इसमें एब्सोल्युटली मज़ा आया। आपको मज़ा आया तो लाइक कर देना, और भाई पता नहीं फ्यूचर में मैं कोई रिएक्शन वीडियो डालूँ ना डालूँ, क्या पता, मुझे कुछ खुद को कुछ नहीं पता। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम और वीडियोस बनाने में, क्योंकि ऐसे वीडियोस में मेहनत नहीं है यार, दिन भर यही तो कर रहे हैं, आपको दिखा देंगे और क्या। आई होप, पता नहीं क्या बोलना है, लेट्स गो, बाय।